अरविंद जी जीरो से खड़े हुए हैं, उन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाई और पहली बार में ही दिल्ली के सीएम बन गए। पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। उन्होंने ऐसे ऐसे काम करने शुरू कर दिए जो कई पार्टियां और इतनी पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। आज अरविंद जी को उनके कामों की वजह से देश और दुनिया में लोग जानते हैं। दिल्ली और पंजाब में उन्होंने सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि वहां पर इतनी अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा मिलती है, गरीबों का भविष्य उज्जवल हो गया। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए जहां अच्छा इलाज हो रहा है। अब बिजली फ्री कर दी, पहले खूब लंबे लंबे पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आती है। महिलाओं को बस में फ्री सफर कर दिया अब, और बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर दिया। अब हर महीने हर महिला को, माताओं को, बहनों को हजार हजार रुपया मिलेंगे। ढेर सारे काम किए हैं आपके केजरीवाल ने, आपके लाल ने। मैं आप लोगों से पूछती हूं, क्या कोई ऐसी और पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हो? बताइए, कोई सरकारी स्कूल अच्छे किए किसी पार्टी ने आज तक? किसी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हो, सरकारी अस्पताल अच्छे किए हो? किसी ने बिजली फ्री की हो? ऐसे सब काम सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, हरियाणा का लाल केजरीवाल। और इसीलिए मोदी जी केजरीवाल से जलते हैं, उनसे ये सब काम नहीं होते। हरियाणा में 10 साल से सरकार है, हुए हैं ये सब काम? मोदी जी ने एक फर्जी केस में उनके ये सब काम रोकने के लिए उनको जबरन जेल में डाला हुआ है। वो कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूं, अगर केजरीवाल चोर है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मोदी जी ने आपके अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं डाला, हरियाणा के बेटे हरियाणा के लाल को जेल में डाला है। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है कि जाओ, मैंने आपके